चहल ने बुना फिरकी का ऐसा जाल कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हुए बेहाल। पूरी टीम ने बनाए केवल 203 रन। दोस्तों, आप भी हैं भारतीय क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस निर्णायक मैच का टॉस भारत के कप्तान विराट कोहली ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 48.3 ओवर में 203 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। आपको बता दें कि आज सीरीज में पहली बार युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में मौका मिला है। उन्होंने अपने वापसी मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। चहल ने बीच के ओवरों में ऑस्ट्रेलिया टीम को 6 बड़े झटके देकर ऑस्ट्रेलिया पारी की कमर तोड़ दी थी। चहल की शानदार गेंदबाजी के चलते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम 203 रन ही बना पाई। भुवनेश्वर कुमार ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक रनों का योगदान पीटर हैंडसकॉम ने दिया। हैंडसकॉम ने 63 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 58 रनों की पारी खेली। इस दौरान हैंडसकॉम ने शानदार 2 चौके भी लगाए। हैंडसकॉम के अलावा मेजबान टीम की तरफ से शॉन मार्श, उस्मान ख्वाजा, ग्लेन मैक्सवेल और जाय रिचर्डसन रन बनाए। भारतीय टीम के लिए इस मैच में युजवेंद्र चहल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके। चहल ने अपने 10 ओवर की गेंदबाजी के दौरान 42 रन खर्च कर 6 विकेट झटके। चहल के अलावा भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट अपने नाम किए। अगर आपको युजवेंद्र चहल की बॉलिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।